कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है सोयाबीन की बड़ियों की सब्जी। तो सभी बनाते हैं बड़ियों की सब्जी और मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और ये वैसी सब्जी बनेगी जैसे आप चिकन की सब्जी खाते हैं। तो ठीक है, हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी सोयाबीन की जो बड़ियां है वो ली है और इधर मैंने आलू उबालने रखे हुए हैं और इसमें जो डालेंगे ये तीन प्याज है, एक टुकड़ा अदरक, थोड़ी सी लहसुन, चार से पांच हरी मिर्च और इसको हम पहले पानी में भिगो देंगे। तो बड़ी को हमने भिगो दिया है, 10 से 15 मिनट तक इसको भिगोएंगे और इसमें एक लेमन है जो पूरा इसमें निचोड़ देंगे हम। भून लेंगे ताकि टमाटर है जो हमारा अच्छी तरह तड़के में पक जाए। तो हाँ जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी तैयार होने को। अभी पानी नहीं डाला, पहले हम डालेंगे सब्जी को इसमें, यानी आलू और बड़ियों को।
इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ग्रेवी के अंदर। तो हाँ जी, जिसमें टमाटर ग्राइंड किया था, अब हम इसमें पानी को ऐड कर रहे हैं सब्जी में। ये तरी है, अपने हिसाब से आप पानी डालना, क्योंकि ये सब्जी है ना, तरी को सोख लेती है। थोड़ा सा ज्यादा रखना आप पानी। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, आप जरूर बनाएं और इसे ट्राई करें। तो इसके साथ आप चपाती खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। तो ठीक है जी, फिर अगला आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे देसी किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है जी, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।